झांसी में दिल्ली हिसार नेशनल हाईवे पर रामायण टोल प्लाजा के समीप वाहनों को लूटने की योजना बनाते हुए एक गिरोह को गिरफ्तार किया गया है। बीती रात CID2 को सूचना मिली थी कि हाईवे पर कैंची चौक के समीप कुछ युवक वाहन चालकों को लूटने की फिराक में है। सूचना मिलते ही CID टीम ने जाल बिछाते हुए युवकों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ करने पर युवकों ने पूर्व में कई वारदातों का राज भी उगल दिया। DSP जुगल किशोर ने जानकारी देते हुए बताया कि CID टीम ने युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनके ऊपर राजस्थान और प्रदेश के कई जिलों में पूर्व में भी मुकदमा दर्ज है। उन्होंने कहा कि लूट के मामले में गिरफ्तार युवकों को पुलिस कोर्ट में पेश कर रिमांड मांगेगी। युवकों द्वारा पूर्व में झांसी के इलाके में भी चोरी, लूट, डकैती के मामलों में पूछताछ की जाएगी। पुलिस के अनुसार युवक वारदात को अंजाम देने के बाद शहर से फरार हो जाते थे। युवक काफ़ी शातिर किस्म के थे। DSP ने बताया कि युवक स्विफ्ट कार में बैठे थे और उनके कब्जे से लाठी, डंडे और राड बरामद हुई है। युवकों की उम्र करीब 25 साल के आसपास है, जो कई सालों से अपराध की दुनिया में सक्रिय हैं। जगदीश, बलजीत, मुकेश, अनिल, विजेंद्र हैं। आज हमने एक गिरोह बंदी का कल एक मुकदमा दिया था, जिसके बारे में आप सभी को इसके बारे में अवगत कराया जा रहा है, जो कल शाम को रात की बात है, जब हमारी एक CIA की टीम वहाँ पे गश्त कर रही थी तो किसी ने मुखबर ने बतलाया कि कोई 5-6 बच्चे कोई डकैती और चोरी करने छीना झपटी करने की उस कोशिश में यहाँ पे खड़े हुए हैं, जिसके बाद हमने अपनी टीम को वहाँ पे भेजा, जहाँ से हमारे को मौके पे छः बंदे मिले, जिनको हमने वहाँ पे पुलिस हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ की। दौरान ये हमारे झांसी से अगर हम हिसार की तरफ टोल पे जाते हैं तो कैंची के आसपास की जगह बाईपास पे, कहाँ के रहने वाले सर, क्या ये मैक्सिमम ये हमारे 6 बंदे थे, जो 2 भाटला से रहने वाले हैं, 2 एक सोरकी से, 1 झांसी से और 1 मोठ और 1 सुलचानी का रहने वाला है। जिन एज ग्रुप इनका मैक्सिमम अगर हम बात करें तो 35-36 का ही बनेगा, क्योंकि 1 45 साल का बंदा है, इनमें 2 24 साल के भी बंदे हैं और मिक्स हैं ये। और भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? यहाँ इनके सभी के खिलाफ है ना आपराधिक मामले पहले ही दर्ज हैं, जो काफ़ी चोरियों में संलिप्त पाए गए हैं। इनके खिलाफ डकैती के भी मुकदमे दर्ज हैं, जो राजस्थान में है, और सिरसा में भी इनके खिलाफ काफ़ी मुकदमे हैं। नहीं, अभी तो ये वांटेड तो नहीं आए हैं, लेकिन पूछताछ चल रही है। अभी इनका रिमांड लिया जाएगा, कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में योजना इनकी गाड़ियों को लूटना था, इन्होंने पहले ही प्लान बनाया हुआ था कि हम गाड़ी को लूटेंगे और फिर वो गाड़ी लूट के कहीं और वारदात करने का इनका प्लान था। उससे पहले कल कोई वारदात नहीं की, वारदात से पहले पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। चेन है उसके बारे में पूछताछ की जा रही है, क्योंकि ये जो इस एरिया के इसमें ज़्यादा से ये क्राइम नहीं कर रहे, ये यहाँ से छीना झपटी करके ये बाहर क्राइम करने के फिराक में थे। हैबिचुअल ऑफेंडर हैं सभी, इसलिए इनको पकड़ा गया। इस गिरोह में और भी कोई है, हो सकता है सर शामिल? हाँ, 1-2 दिन अगर हम कोर्ट में पेश करेंगे, रिमांड लेंगे, उसके बाद जैसी भी कार्रवाई हम जैसी भी पता चलेगा आप लोगों को जरूर बतलाएंगे इसके बारे में। हथियार इनसे रोड और जो हमारे डंडे ही बरामद हुए हैं, कोई असला वसला इनसे कोई बरामद नहीं हुआ। नहीं, इनके पास गाड़ी थी, स्विफ्ट गाड़ी में ये आए। हाँ जी, स्विफ्ट गाड़ी चोरी की थी या? उसके बारे में भी हम पूछताछ कर रहे हैं अभी। सर इनके नाम? नाम तो आपको हम प्रेस उसमें दे देंगे, इनके नाम लिख लो अगर आप। तब बोल दो। जो इनके नाम है, एक जगदीश चंद्र उर्फ गीसा, बलजीत उर्फ सोना, सोनू उर्फ ओम प्रकाश, मुकेश पुत्र राम प्रकाश, अनिल पुत्र करतार और विजेंद्र पुत्र करतार। 6 बंदे हैं जिनको हमने गिरफ्तार किया है। नहीं, हमारे यहाँ पे इन्होंने कोई वारदात नहीं की, पहली वारदात करने के फिराक में थे, जिससे हमने मौका पाके पहले ही हमारे को सूचना मिल गई थी, जिसके तहत हमने इनको गिरफ्तार कर लिया था।
आसी एरिया में हमारे यहाँ कोई वारदात नहीं की है।